हेलो दोस्तों, कामत की रसोई की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई दोस्तों। तो आज है जन्माष्टमी दोस्तों, और मैंने बनाया है कान्हा जी को भोग लगाने के लिए पेड़े। इस पेड़े को हम बिना गैस जलाए बनाएंगे, तो आप वीडियो पे बने रहना दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। यहाँ पे हमने पेड़ा बनाने के लिए लिया है 150 ग्राम मावा। इसे हम डाल देते हैं एक प्लेट में या एक बड़े से बर्तन में डालेंगे। साथ ही 4 से 5 चम्मच जितना हमने यहाँ पे मिल्क पाउडर लिया है। अगर आपके पास है मिल्क पाउडर तो आप डालना, वरना आप बिना मिल्क पाउडर का भी बना सकते हो। साथ ही स्वाद के अनुसार इसमें हम पिसी हुई चीनी डालेंगे, यानी कि शुगर पाउडर। अच्छे से हम सारी चीज़ों को मिला लेंगे। इस मिठाई को ना बस आप 5 मिनट में बना के तैयार कर सकते हो, तो ट्राई ज़रूर करना दोस्तों। ये जितनी जल्दी बन जाता है ना, खाने में ये उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये कान्हा जी को तो पसंद है ही, साथ ही साथ मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को अच्छे से कर लिया है मिक्स। अब हमें क्या करना है ना, छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं और इसे पेड़े के शेप देने हैं। तो छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से बना सकते हो, जैसे भी आपको पसंद है। पर मैं नॉर्मली जितना साइज पेड़े का होता है ना, बस हम उतने साइज का ही पेड़ा बना के तैयार करेंगे। यहाँ पे हमें हाथों से राउंड करना है बॉल की तरह, और फिर अंगूठे से ना बीच में दबा देना है। और ये देखिए कितना लाजवाब पेड़ा बन के तैयार हुआ है। कोई कहेगा कि इसे हमने बिना गैस जलाए बना के तैयार किया है। इसी तरीके से ना हमने सारे पेड़ों को बना लिया है दोस्तों, और आपने देखा ना कितनी जल्दी ये पेड़ा बनके तैयार हो गया है। तो इन पेड़ों को ना आप अपनी मन चाहे चीज़ों से गार्निश कर सकते हो। इस पे चांदी का वर्क लगा सकते हो, बादाम पिस्ते से गार्निश कर सकते हो दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम से गार्निश किया है, और साथ ही इसमें मैंने गुलाब की पत्तियों से डेकोरेट किया है। तो आज की ये वीडियो आप सबको कैसी लगी प्लीज़ दोस्तों कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करना दोस्तों। और ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए कामत की रसोई को सब्सक्राइब कर लेना। तो कान्हा जी के भोग के लिए बनी हुई मिठाई तुलसी के पत्ते के बिना अधूरी है दोस्तों। तो मैंने तुलसी का पत्ता रख दिया है, और अब हम चलते हैं मेरे मंदिर में कान्हा जी को भोग लगाने के लिए। और दोस्तों हम सभी को पता है कि कान्हा जी को ना पेड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने आज उनके जन्मदिन के पावन अवसर पर बनाया है पेड़ा उनके भोग के लिए। तो दोस्तों जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, राधे राधे दोस्तों। और दोस्तों आप कान्हा जी के भक्त हो ना, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।